राम राम मेरे भाई। मैं सुबह को नहा धोएगा, अपने घर से निकट गया ऑफिस पर, भैया रास्ते में मेरा भाई मिलेगा। मैंने कहा भाई आप तो छोड़ दो, फिर आप भाई है छोड़ कर मैं हम पहुंच ले सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में आप देख लो भाई, इन भेड़ ने पूरा रोड घेर रखा। और यार रोड घेर कर चल रहे, मतलब जैसे इनको एक रोड होवे, फिर भाई देखो पूरे पीछे तक जाम जाम लग रहा है इन भेड़न की वजह से। कोई दिक्कत ना, ये यार रेहड़ा में या गधा ले जा रहे हैं बंद के, या हिला रहे हैं आगे को बेटा तू ही ढोए को वो हो जाए। फिर भाई हम सिकंदराबाद पार करके नौ पहुंच गए धनकौर रोड पर। धनकौर रोड पर भाई आप देख लो छोटी सी नदी है, या नदी हमने पार करी। और नदी पार करने भाई हमें बहुत मशक्कत लगी। और नदी पार करने के बाद हम जा रहे हैं सीधे हिन्नौटी भाई, हिन्नौटी में चलेंगे। आप हिन्नौटी वाले रास्ते का व्यू भी दिखाते भाई, बहुत गजब नज़ारा। देखो भाई कैसा पानी बह रहा नदी में, मतलब बहुत कैडी नदी है। यूँ हर किसी पार करनी पड़े तो धनकौर रोड को भाई। फिर हम हिन्नौटी वाले रास्ते पहुंच गए। आप देखो भाई चारों ओर हरियाली हरियाली, यूँ साइड में नहर भाई, नहर भी बहुत तगड़ी है। यूँ देखो भाई मतलब खूब तगड़ी नहर भाई, 12 महीने आती ही रहे। अब फिर भाई नहर पार करने के बाद हम पहुंच गए हिन्नौटी अपने सेंटर पर। ये देखो हमारा सेंटर, चल लो हम सबको मकसद बस एक ही है, चीम टपाक डम डम। भाई हमने अपने सेंटर विजिट करे, सेंटर विजिट करके भाई हम पहुंच गए अगले गांव में। भाई अगले गांव में मैंने इनका रिटर्न टेस्ट करवाया, ये रिटर्न टेस्ट टेस्ट कर रहे जैसे IPS का रिटर्न टेस्ट कर रहे हो, इनका रिटर्न टेस्ट करवाया कि भाई हम चल दिए अपने घर को। और भाई ये देखो नज़ारे नज़ारा भाई, मतलब यार साइड में पूरी ओर पेड़ ही पेड़ और भाई बहुत गजब नज़ारा आवे। फिर रास्ते में चलने के बाद थोड़ी दूर चल कर हमें चैटापोटा मिल गया। इन चैटापोटा ने बैठा है कि ये कह रहे कि भैया वीडियो मत बनाओ, इन्हें छोड़ कर फिर भैया हम अपने चल दिए।